नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार चटकारेदार राज कचौड़ी। ये राज कचौड़ी इतनी क्रिस्प बनी है कि आपको मार्केट से राज कचौड़ी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये मेरी रेसिपी मेरे हिसाब से बनाते हैं तो आपको राज कचौड़ी खाने का मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार राज कचौड़ी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक डो गूंदना होगा जिससे कि हम राज कचौड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 सर्विंग स्पून सूजी ली है, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। इसमें अब हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे, 1 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर या आरारोट डाल रही हूँ, साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो चलिए इसका एक डो बना लेते हैं। आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए सारे सामान को। और इससे एक टाइट डो गूंदना है। देखिए, मैंने डो को बढ़िया तरीके से गूंद लिया है। अब हम एक गीला कपड़ा लेंगे और इस डो को इससे ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम अपनी बढ़िया राज कचौड़ी बनाएंगे। तो चलिए 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं, चलिए अब हम अपने डो को चेक करते हैं और एक बार इसे अच्छी तरह 2-4 मिनट के लिए अच्छी तरह इस डो को मसल लेते हैं ताकि एक बार ये बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों देखिए, मैंने पेड़े को एक रोटी की शेप में बेल लिया है। अब हम इस कटर की मदद से, कोई भी आपके पास ढक्कन हो कुछ हो उसकी मदद से आप इसे गोल शेप दे दीजिए और एक्स्ट्रा आटे को आप हटा दीजिए। और ये देखिए, एक बारी आप इसे अच्छी तरह दोबारा बेल लीजिए ताकि इसकी जो एजिज हैं वो बराबर हो जाएं। और ये देखिए दोस्तों, इसकी जो मोटाई है वो इतनी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। दोस्तों, मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और एक बारी मैंने तेल को अच्छी तरह गरम करके गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रख दिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। और दोस्तों देखिए, ये राज कचौड़ी कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है। गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे ही रखना है ताकि जो हमारी राज कचौड़ी है वो अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया तरीके से हमारी राज कचौड़ी फूल गई है। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपने राज कचौड़ी का साइज़ कितना बड़ा छोटा जैसे भी रखना है।
क्योंकि अगर आप इसे मीडियम लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्प बनेगी। देखिए दोस्तों, राज कचौरी हमारी बढ़िया तरीके से फूल भी गई है और क्रिस्प भी हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर मैं आपको इसका क्रंचीपन भी दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्प बनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं राज कचौड़ी की आपको आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्रंची हो गई है। चलिए इसमें अब हम थोड़े से भल्ले डालते हैं। थोड़े से मैं इसमें आलू डालती हूँ। उसके बाद मैं इसमें बढ़िया, ये देखिए दोस्त, कितनी बढ़िया तरीके से हमारी राज कचौड़ी दोस्तों। इसके बाद हम इसमें मज़ेदार बढ़िया गुड़ इमली की चटनी डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी राज कचौड़ी कितनी बढ़िया लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया हरी चटनी। उसके बाद मज़ेदार लज़ेदार सेव। और ये देखिए दोस्तों, हमारी बढ़िया राज कचौड़ी फटाफट बनकर तैयार हो गई है।